हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज 19 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही साथ यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। द रेजिलियंट सिटीज एशिया पैसिफिक आर कैप 2019 कांग्रेस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाई ICLEI लोकल गवर्नमेंट्स फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड होस्टेड बाई साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन न्यू दिल्ली इंडिया। लचीला शहर एशिया पैसिफिक आर कैप 2019 ICLEI द्वारा आयोजित की जा रही है। स्थिरता के लिए स्थानीय सरकारों और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा नई दिल्ली भारत में यह आयोजित की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। नेपाल सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट नेपाली सेट फर्स्ट इंटू स्पेस। द सैटेलाइट डेवलप्ड बाय द नेपालीज साइंटिस्ट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम वर्जिनिया इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इट इज ए लो ऑर्बिट सैटेलाइट विच विल बी इन द 400 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस। नेपाल ने सफलतापूर्वक अपना पहला उपग्रह नेपाली सेट फर्स्ट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। नेपाली वैज्ञानिकों द्वारा विकसित उपग्रह को संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्जिनिया से प्रक्षेपित किया गया था। यह एक निम्न कक्षा का उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर की दूरी पर होगा। नेक्स्ट, सऊदी अरबिया अनाउंस्ड दैट इट विल बी होस्टिंग द G20 समिट इन नवंबर 2020 इन इट्स कैपिटल रियाद। दिस वुड बी द फर्स्ट G20 समिट इन द अरब वर्ल्ड। सऊदी अरब ने घोषणा की है कि वह अपनी राजधानी रियाद में नवंबर 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह अरब का पहला G20 शिखर सम्मेलन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग और बिजनेस न्यूज बैंकिंग और व्यापार समाचारों की। बैंक ऑफ महाराष्ट्र BOM हैज पार्टनर विद MI एक्सचेंज ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म फॉर MSME बिल डिस्काउंटिंग। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने MI एक्सचेंज बिल छूट के लिए MI एक्सचेंज ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट, CRISIL लिमिटेड ए डाइवर्सिफाइड ग्लोबल एनालिटिक कंपनी विल ट्रांसफर इट्स रेटिंग बिजनेस टू इट्स प्रपोजल न्यू हुली ओवन सब्सिडियरी। द बोर्ड ऑफ क्रिसिजल गेव द नोड फॉर द ट्रांसफर विच इज बींग डन टू कंपाइल विद सेबी नॉर्म्स ऑफ 2018। एक विविध वैश्विक विश्लेषणात्मक कंपनी क्रिसिल लिमिटेड अपने रेटिंग बिजनेस को अपनी प्रस्तावित नई पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी में परिवर्तित करने वाली है। क्रिसिल के बोर्ड ने हस्तांतरण के लिए मंजूरी दे दी है, जो कि 2018 के सेबी मानदंडों का पालन करेगी। नेक्स्ट, एटमोनी मनी इंडियाज फर्स्ट लार्जेस्ट ऐप फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज हैज इंटीग्रेटेड विद यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI एज ए पेमेंट मेथड। द रीजन फॉर दिस इज टू डबल इट्स मंथली यूजर बेस बाय द एंड ऑफ 2019। वित्तीय सेवाओं के लिए भारत का सबसे बड़ा ऐप एट मनी एक भुगतान पद्धति के रूप में एकीकृत भुगतान इंटरफेस के साथ एकीकृत हो गया है, मतलब UPI के साथ एकीकृत हो गया है। इसका कारण 2019 के अंत तक इसके मासिक उपयोगकर्ता आधार को दोगुना करना है।
बात करते हैं रैंक्स एंड रिपोर्ट्स, रैंकिंग रिपोर्ट्स की। द टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2019 लिस्ट हैज बीन रिलीज्ड, नेमिंग द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पायनियर्स, लीडर्स, टाइटन्स, आर्टिस्ट एंड आइकन ऑफ द ईयर। रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन मुकेश अंबानी एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेटर्स अरुंधति काटजू एंड मेनका गुरु स्वामी हु स्पीयर हेड हिस्टोरिकल लीगल बैटल फॉर LGBTQ राइट इन इंडिया आर द इंडियन नेम्स दैट अपियर्ड इन द लिस्ट। टाइम 100 100 सबसे प्रभावशाली लोगों 2019 की सूची दुनिया के सबसे प्रभावशाली अग्रदूतों, नेताओं, टाइटन्स, कलाकारों और वर्ष के आइकन का नामकरण करते हुए जारी की गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और भारत में LGBTQ अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई की अगुवाई करने वाले जनहित याचिकाकर्ता अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी वे भारतीय नाम हैं जो सूची में दिखाई दिए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब UV कॉम्पिटिशन चैनल और साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।